बिग बॉस OTT से बिग बॉस 15 में कितने लोग जाएंगे, इस पर बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब हम सभी के बीच में आए। कभी बताया गया कि 7 लोग जाएंगे, कभी बताया गया कि 6 लोग जाएंगे, और कुछ ही दिन पहले यह खबर आई थी कि अब तो कंफर्म हो गया कि 5 लोग जाएंगे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि यह खबर भी बिल्कुल झूठी साबित हुई है, और इस पर जो है अब नया अपडेट सामने निकल के आई है। और आप सभी को बता दूं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट जानकारी आई है, उसके मुताबिक बिग बॉस OTT से बिग बॉस 15 में केवल 3 ही लोग जाएंगे। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों को ही एंट्री मिलेगी बिग बॉस 15 में बिग बॉस OTT से। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो 3 लोग कौन होंगे, क्योंकि अगर अगर हम बात करें अभी जो टॉप 5 बिग बॉस में है, उसमें से 4 लोग तो टोटली डिजर्व करते हैं जो कि बिग बॉस 15 में जाना ही चाहिए, जिसमें अगर हम बात करें तो दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल, समिता सेठी और वहाँ पर निशांत भट्ट। लेकिन इनमें से किसी एक का पत्ता कट सकता है, और कम वोट कम पॉपुलरिटी की वजह से हो सकता है कि निशांत भट्ट का जो है पत्ता वो बिग बॉस 15 से कट जाए। लेकिन वो टोटली डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निशांत ने बिग बॉस OTT में अपना गेम खेला है और जिस तरीके से उन्होंने अपना व्यक्तित्व दिखाया है, उसके बाद तो उनको बिग बॉस 15 में लेना ही चाहिए। लेकिन आप सभी को बता दूं कि सिर्फ 3 लोग ही जाएंगे, तो ऐसे में ये बिग बॉस का बहुत बड़ा फैसला होगा कि वो कौन से 3 लोग होंगे जो कि बिग बॉस OTT से बिग बॉस 15 में जाएंगे। एक नाम समिता सेठी का तो लगभग कन्फर्म ही है, और बाकी के 2 नाम पर अभी भी बिग बॉस जो है कहीं ना कहीं सोच विचार रहे होंगे, क्या वो प्रतीक सहजपाल होंगे और निशांत भट्ट होंगे, कि प्रतीक सहजपाल और दिव्या अग्रवाल होंगे, या फिर दिव्या अग्रवाल निशांत भट्ट होंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बिग बॉस अभी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 ही लोग जाएंगे। ये बात अब इस तरीके की सामने आ रही है कि बिग बॉस OTT से बिग बॉस 15 में केवल 3 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। तो आपको हिसाब से वो कौन 3 लोग होना चाहिए जो कि बिग बॉस 15 में शामिल हो, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।